हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप्स आप सभी लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे अपने जीवन में। तो भाई साहब, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं के कुमार, उन्होंने हमें रिकमेंड करा डून लिट्टी चोखा। तो भाई साहब, उनकी रिकमेंडेशन पे हम आ चुके हैं डून लिट्टी चोखा का लिट्टी चोखा ट्राई करने। तो चलिए भाई साहब, अपने लिट्टी चोखा लगवाते हैं और भैया से भी बात करते हैं। क्या आपने बढ़िया, चलो भाई, अब क्या जाने वाला? ये बैंगन है। अच्छा, बैंगनों का क्या अच्छा ले रहा है? बैंगन की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। चलो भाई, अच्छा बैंगन भी रखे जाएंगे आपके ऊपर। चलो ये भाई साहब रख दिए गए बैंगन, बहुत बढ़िया। 10 मिनट तक इन्हें ऐसे भूलेंगे? अरे बहुत बढ़िया, उनके तैयार हो गए हैं। चलो भाई, टमाटर भी सेम ऐसे भूलेंगे? टमाटर रेडी है? अरे भाई साहब देखो, टमाटर भी वो काले कर दिए मैंने, टमाटर बिल्कुल पक गया। अरे भाई साहब, अब हमारा टमाटर रेडी है। चलो भाई साहब, इसमें अभी सत्तू का मसाले फ्राई होने। अच्छा ठीक है, इसके बाद सत्तू में ये मिलेगा। अच्छा, अभी सत्तू मतलब फ्राई करके हम आपको दिखाएंगे कैसे फ्राई होता है। ठीक है, ये भैया सरसों का तेल जाने वाला है इसमें, इससे फ्लेवर थोड़ा सा बढ़िया होता है सत्तू से, सरसों के तेल से। अच्छा जी भैया, सरसों का तेल, लहसुन। हाँ भाई साहब, लहसुन गया। ठीक है, अदरक। ये अदरक, चलो भाई, ये आ गई हरी मिर्च, अब आ गई प्याज। अरे भाई साहब बहुत बढ़िया, सत्तू भी आ गया है भैया। चलो भाई, भैया अपनी मसाले वाली पोट भी ले आए हैं भैया। अच्छा बताओ भैया, क्या क्या जाएगा इसमें? इसमें जाएगा नमक, आ गया। चलो नमक स्वाद अनुसार आ गया भैया, मसाला थोड़ा, चाट मसाला आ गया, कस्तूरी मेथी आ गई, चाहे थोड़ा पका हुआ है सरसों का तेल, अच्छा कच्चा है, यही तो जाने इसकी है। चलो भाई, भर के आ गया ये, अब इसे मिक्स करा जाएगा दोबारा। अब ये क्या आने वाला? अच्छा ये तो देसी घी आने वाला है भैया, अभी आ गया देसी घी। चलो भाई साहब, ओ भाई साहब भर के आ गया भैया, क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। चलो भाई, अब इसे मिक्स कर लेंगे। मुझे मसाला तैयार है, ये मसाले तैयार हो गया भैया, ये टमाटर को छील कर रख लेंगे। अच्छा भाई, ये बैंगन भी है। अच्छा मेनली इसमें आलू भी जाता भैया? हाँ आलू भी जाता भैया। अच्छा आलू भी रख रखा भैया उबाल के। चलो भाई, अब ये बैंगन भी है, ये धुला जाएगा भैया? नहीं धुलेंगे भैया, टेस्ट खराब हो जाएगा। अच्छा मतलब रॉ रखा गया पूरा? हाँ जी भैया, धुलेंगे ये पहले से साफ सफाई करके फिर सेकते हैं। अच्छा, इसके बाद सेकते हुए आते हैं, बस छिलके निकालते हैं, जैसे हम इसको धोएंगे सारे टेस्ट खराब हो जाएगा। अच्छा, स्मोकी फ्लेवर भी चला जाएगा उसमें से? सारे फ्लेवर चला जाएगा भैया। ठीक है ठीक है ठीक है, अब ये साफ कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर भाई उबले हुए आलू, ठीक है ठीक है, सिकड़ी के पके हुए बैंगन, बैंगन ठीक है, दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। मिला लेंगे अभी, पके हुए टमाटर आ गए भाई साहब, अरे गजब। ये अभी इसे अच्छे से मिलाएंगे अभी से। रोजो जी बताओ क्या क्या मसाले जाने वाले इसमें? नमक, नमक आ गया, मसाला, चाट मसाला आ गया, काला नमक आ गया, हल्का सा जीरा पाउडर आ गया। चलो अच्छा, धनिया भी आ गया, अभी से फिर से ढंग से मिला लिया। चलो भाई, सुबह तेल इसके अंदर, बहुत बढ़िया। चलो भाई, एक हिसाब से जान है इसकी। चलो भाई, ये आटा आ गया है, ठीक है। अच्छा ये तो बेसिकली आप घर पे भी गूंथ सकते हो, वैसे वाला आटा है ना, नॉर्मल? अच्छा, आटा में आपका कलौंजी मिला हुआ। अच्छा आटे में, आटे में भी डला हुआ है? हाँ जी, कलौंजी, अजवाइन, हल्का सा नमक और कस्तूरी मेथी। अच्छा ठीक है, मैं भूल भी गया कितना कुछ बताया भी है ना, अभी तक इतना सब कुछ जा चुका है, मैं भूल जा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, चलिए चलो भाई, अब मसाला भरा जाएगा। चलो भाई, भर के नहीं, बस थोड़ा थोड़ा है? नहीं भैया, भर के डालते हैं। अच्छा भर के, मुझे लगा भैया कंजूसी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये होगी लिट्टी तैयार। चलो भाई,
बहुत ही प्यार से भैया हल्का हल्का आटा बाहर कर दें, जो एक्स्ट्रा आटा है भैया ये भी स्टाइल है अपना। तैयार है, अभी आप अगला प्रोसेस क्या होगा? आप इसको ले चलते हैं सेकने के लिए। चलो भाई क्या होने वाला है, अभी लिट्टी इसके ऊपर रखी जाएगी अपनी। अंगीठी के बोलते हैं, बोलते क्या है? सिकड़ी बोल सकते हैं। सिकड़ी, अच्छा बिहार वाले भाषा में सिकड़ी। आप देखो भैया पलटा रहे हैं, आप देखो कलर कितना बढ़िया आना शुरू हो गया। देखो भाई अभी लिट्टी तैयार है। जी भैया लिट्टी तैयार है। अब लिट्टी होगी तैयार। चलो भैया प्लेट लगने वाली है अपनी लिट्टी चौके की। अच्छा भाई थोड़ा सा क्रश कर लेंगे सर, तो घी अंदर तक चला जाएगा। घी अंदर तक चला जाएगा। चलो भाई ये भाई साहब गया देसी घी में। अरे भाई साहब चलो भाई ये दूसरी लिट्टी आ गई अपनी। चोखा आ गया। चलो भैया नींबू आ गया, थोड़ा सा प्याज आ गया। सजाने की कार्यवाही करी जाएगी। थोड़ा थोड़ा धनिया रखा जा रहा ऊपर से। चलो भाई थोड़ा सा अचार आ गया। ये अपनी प्लेट रेडी, इसकी कॉस्ट 80 रुपए। मैं आ गया था यहाँ पे 11 बजे, आप बजने वाला है 3, यानी लगभग लगभग 4-5 घंटे इसे बनने में लग गए। सर मैं प्रिपरेशन दिखा देता हूँ आप लोगों को, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। आओ ये भैया ने चटनी दी है, ये चोखा दिया है और ये भैया अपने लिट्टी है। चलो भाई ये प्याज चटनी और अचार। चलो भाई टेस्ट करते हैं, ठंडा ना हो जाए। देखो भाई साहब ये देखो घी, बहुत ही बढ़िया घी, अच्छी खासी क्वांटिटी में दिया गया। चलो अब ये चोखा के साथ थोड़ा सा लगाएंगे ये तरीके से, थोड़ा सा चटनी और खाएंगे। भैया अपना पहला बाइट तैयार है, थोड़ा सा प्याज भी डाल ले। एक बाइट और लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर टेस्ट क्या है इसका। पहले थोड़ा सा चोखा लगाओ, तरीके से लगाओ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिट्टी चोखा इसलिए साथ में ही बोला जाता है। चलो भाई थोड़ा सा चटनी, चटनी में थोड़ा सा नशी हो जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा मैं नींबू भी डाल ही देता हूँ। ओके चलो फाइनली ये फाइनली अपनी बढ़िया वाली बाइट तैयार है। अगर आप कुछ हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो ये आपके लिए। अगर आपके पास 70 रुपये और आप पेट भर खाना खाना चाहते हैं तो ये आपके लिए, कुल मिला के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और सबसे बढ़िया बात इसे प्रॉपर रखा गया है, जिस हिसाब से बिहार में बनता है प्रॉपर सिकड़ी पे सीखा गया है, सब कुछ रखा गया है। टेस्ट बहुत बढ़िया है, मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ और बाई बार बहुत बढ़िया टेस्ट है। मेरा लिट्टी चोखा भी बच रहा है, उसे करता हूँ मैं खत्म। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और हाँ यार 3000 होने वाले हैं तो जल्दी से करा दो यार। थैंक यू सो मच, गुड बाय।